So, hello everyone. If I'm audible, give me a thumbs up, write something in comment section, then we can start the class. Yeah, so that's great. I'm audible then. So, very warm welcome to all. RISE 2.0 UPSC CSE Prelims 2020 के लिए Unacademy की तरफ से free hamper. Okay? So, 80 days crash course is going on. ठीक है? Ancient history हमने कल most of the section सारी चीजें complete कर ली. Art and culture वाली चीजें हम 1st August से कर लेंगे. So, अब कहाँ move करना है हमें? आज हम move करने वाले हैं medieval history में और हम बात करेंगे मेडिवल हिस्ट्री में क्या हुआ इंडिया में, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. देखिए पूरी कहानी नहीं सुना रहा हूँ मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दे रहा हूँ जिससे डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस बन जाएं. आई एम आल्सो प्लानिंग अ सेशन ऑन हिस्ट्री क्वेश्चन आंसर सेशंस दैट विल बी टेकन फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, फ्रॉम 21st ऑन एन अकेडमीज मेन वेबसाइट. इट विल बी फ्री फॉर ऑल, तो आप सारे लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट. हाय अनन्या, गुड इवनिंग मोक्षा, गुड इवनिंग मधुरमा, हाय शीतल, गुड इवनिंग श्रद्धा, हाय प्रिंस, हाय ओके, हाय श्रीधि, हाय गुलाब, या ओके, थैंक्स पीपल फॉर टेलिंग मी मॉडिबल, दैट्स ग्रेट. सो इंडिया इन द वर्ल्ड इन द नॉर्दर्न इंडिया एज ऑफ द थ्री एम्पायर्स. ठीक है, सो पाला, प्रतिहारस और राष्ट्रकूटास. राष्ट्रकूटास के बारे में थोड़ी बहुत बात की है और आगे भी करेंगे. ठीक है, अब हुआ क्या था कि एक बार हर्षा, देखिए हम पढ़ते हैं एंशिएंट मेडिवल और मॉडर्न में डिवाइड करके, लेकिन जब हिस्ट्री हो रही थी तो वो डिवाइड तो हुई नहीं थी, तो वो तो ऐसे ही चल रही थी भाई. अब हमें वो डिविजन करना पड़ा है, तो ये डिविजन पहले किया किसने है? ये डिविजन किया मैक्स म्यूलर ने. ठीक है, मैक्स म्यूलर ये डिवीजन किया है और उसी डिवीजन को हम फॉलो करते आ रहे हैं कि एंशिएंट कब तक मानी जाएगी, मॉडर्न कब से मानी जाएगी. सो लास्ट जो बिग डायनेस्टी आई थी वो हर्षा के बाद नॉर्दर्न इंडिया में कुछ दिन तक डायनेस्टी आई नहीं, और उसके बाद से पूरे एरियाज को लेके इश्यूज चल रहे थे. मतलब नॉर्थ वेस्ट जो कि वेस्टर्न, आप ऐसे मान लें कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें अफगानिस्तान और उसके आगे ईरानियन जो एम्पायर्स थे उनका इम्पैक्ट, उस समय इंडिया क्या क्या रिलेशनशिप थे, और एट द सेम टाइम इंडियन रीजन में तीन बड़े एम्पायर्स थे जो डेवलप हुए. एक पालास थे जो बंगाल से चल रहे थे. ठीक है, उसके बाद हमें पालास को देखना है, प्रतिहारास जिसको गुजारा प्रतिहारास भी कहते हैं, गुजरा प्रतिहारास कहते हैं कई लोग, उनको देखना है, और राष्ट्रकूटास जो थे वो डेक्कन के एरियाज में थे. ठीक है, सो ये पूरी चीज हमें आज देखनी है. आगे देखते हैं हम. सो लेट्स टॉक अबाउट दोज हु आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, जो पहली बार है उनके लिए सम इन्फॉर्मेशन. दिस इज माय बिच्चू ओनली, ओके, श्वेतांक आई एम, एंड सो आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ मेंटोरिंग एंड गाइडिंग सिविल सर्विस एक्सपीरियंस इन पास्ट टू ईयर्स इन दिल्ली. ओके, वैसे तो मेरी एक्सपर्टीज जीएस पेपर टू एंड पीएसआईआर ऑप्शन में है, आप जानते हैं मुझे, आईआर की सुबह में क्लासेस भी आपके लिए लेता हूँ, बट राइट नाउ आई एम टेकिंग फॉर हेल्पिंग यू आउट फॉर द क्रैश कोर्स इन हिस्ट्री. ओके, सो माय कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड टेलीग्राम एड्रेस इज ऑन द बॉटम. ठीक है, अगर आपको कोई क्वेरी हो आप मुझसे बात कर सकते हैं, आई विल हेल्प यू ऑल विद दैट. अदरवाइज ऑल्सो प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, बिकॉज आई विल बी अपलोडिंग द पीडीएफ्स हियर, और ये पीडीएफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए. इन पीडीएफ्स को डायरेक्टली गो थ्रू कर लीजिएगा, इससे बाहर से ज्यादा चीजें नहीं आती हैं. ओके, एक क्वेश्चन आएगा जो सिविल सर्विस एग्जाम में यूपीएससी सिर्फ इससे डालती है ताकि वो प्रूफ कर सके कि वो आपसे तेज है. ठीक है, लेकिन उसके बाद बाकी सारे क्वेश्चंस इन पीडीएफ से आपके बन जाएंगे. हाँ, अब लेट्स आल्सो टॉक अबाउट अ बिट अबाउट अनअकैडमी, बिकॉज अनअकैडमी इज रियली गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट इन दिस फैशन. ठीक है, सो अब हमें बात करनी है अनअकैडमी के बारे में. तो देखें स्टूडेंट्स, आपको ये चीज समझनी होगी कि इट्स ऑलवेज बेटर टू प्रिपेयर और डू एनीथिंग फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ योर होम. ठीक है, घर में बैठ के अगर कोई काम हो सकता है तो ऑब्वियसली आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, बिकॉज अगर आप किसी नए शहर में किसी नई जगह जाके कुछ नया करना चाहते हैं, सो फर्स्ट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू एक्लिमेट योरसेल्फ. ठीक है, आपको जगह में अपने आप को बिठाने में, आपको सेटल करने में टाइम लगता है, एंड दैट मच टाइम यू डोंट रियली हैव. ठीक है, दैट मच टाइम यू डोंट रियली हैव, एंड द फास्टर यू वर्क ऑन इट द बेटर इट इज. तो बेटर, सबसे अच्छा तरीका क्या है, अगर आप अपने घर में अपने रूम के अंदर आराम से बैठ के या तो अपनी टेबल कुर्सी पे, या तो कभी कभी बोर हो गए तो बेड पे ही बैठ के अगर आप अपनी क्लासेस अटेंड कर लें, तो उससे बेटर क्या हो सकता है. ठीक है,
इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपके लिए आपके घर में आने को रेडी हैं. ऑल यू हैव टू डू इज कम ऑन द अनअकैडमीज इकोसिस्टम. ऑल यू हैव टू डू इज अनअकैडमी के इकोसिस्टम पे आए. ऑल द बेस्ट एजुकेटर्स हु विल मेक श्योर कि प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है. प्रिपरेशन की सिविल सर्विस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप अपनी रेगुलरिटी मेंटेन करके रखें. ठीक है, अपनी रेगुलरिटी मेंटेन करके रखें, आप एफिशिएंसी मेंटेन करके रखें. ठीक है, डजंट रियली मैटर आप इससे पहले क्या कर रहे थे, कितनी पढ़ाई की है, क्या किया है. अगर इस समय आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पास एक डिफाइंड सिलेबस है, ठीक है, वो चीजें भूल जाइए. जो लोग कहते हैं एवरीथिंग अंडर द सन इज कम्स इन यूपीएससी एग्जाम, ये सारी बकवास बातें हैं. ठीक है, देयर इज अ वेरी वेरी हार्ड कोर एकदम डिफाइंड कॉन्टूर्स के अंदर एक सिलेबस है, एक जॉब प्रोफाइल है, उसके अकॉर्डिंग सिलेबस है. कोई आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज चेक नहीं कर रहा है. एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, उसमें आपको बाकी लोगों से अच्छा परफॉर्म करना है. और उसके लिए जो बेस्ट गाइड्स हैं, जो बेस्ट एजुकेटर्स हैं, जो उसको आपको हेल्प कर सकते हैं, वो आपके सामने हैं, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे हैं. सो व्हाट यू हैव टू डू इज आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आना है एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी टेकन केयर हियर. उसके बाद आपको ये दिक्कत नहीं होगी क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, अरे वो क्यों पढ़ लिया मैंने, अरे वो तो जरूरी नहीं था, मैंने 2 दिन उस टॉपिक पे निकाल दिए, वो तो आएगा ही नहीं, ये सारी चीजें नहीं होंगी. ठीक है, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो ये कर रहे होते हैं कि सर हमने 4 दिन लगा के अमेरिकन रेवोल्यूशन समझा है, नहीं पढ़ना था आपको 4 दिन अमेरिकन रेवोल्यूशन, 3 घंटे में किए जा सकती है वो चीज. तो ये कौन बताएगा आपको कि उसको 3 घंटे में पढ़ा जाना था, उसको 4 दिन नहीं लगाने थे. ये आपको अनअकैडमी पर समझ में आएगा. एडिशनली आप देखें बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिफिकल्टी क्या होती है कि सर प्रिपरेशन करने हम दिल्ली आए थे, सर हम दिल्ली में रह रहे थे 1.5 साल तक, अभी तो हमारा सिलेबस भी क्लियर नहीं. तो ये सारी चीजें आपके साथ नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपकी पहले दिन क्लियर हो जानी चाहिए. ठीक है, विद इन द फर्स्ट वीक जिस दिन आपने डिसाइड किया कि मुझे प्रिपरेशन करनी है सीरियसली. ठीक है, वैसे तो लोगों के दिमाग में चल रहा था हाँ करनी है, शुरू करना है, ठीक है बुक्स ले आएंगे, बट द डे यू डिसाइडेड कि प्रिपरेशन करनी है, उसके बाद आपके पास 1 वीक का टाइम होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा. इसमें आपको सिलेबस समझ लेना है, ठीक है, और कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है, क्या करना है, अगले 8 महीने 10 महीने कम से कम 10 महीने का क्या प्लान होना है आपका, वो रेडी होना चाहिए. तो ये कैसे होगा, अगर आप ये खुद करने जाएंगे तो एक्सपर्टीज तो आपके पास अभी वो है नहीं, तो वो एक्सपर्टीज कहाँ है, वो एक्सपर्टीज है आपके पास आपको मिलेंगी अनअकैडमी पे. ओके, अनअकैडमी वो एक्सपर्टीज मिलेंगी, यहाँ पे वो एजुकेटर्स मिलेंगे. ठीक है, आपको क्या करना है, आपको अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना है, यूज करनी है कोड SPYT जो कि मेरा कोड है, एंड दैट विल मेक श्योर दिस विल मेक श्योर कि आप मेरे मेंटोरशिप के थ्रू काम करेंगे. सो आई विल बी हेल्पिंग यू आउट पर्सनली. ठीक है, मैं आपको हेल्प कर दूंगा, आई विल हेल्प यू आउट विद मेकिंग टाइम टेबल, आई विल हेल्प यू आउट विद पढ़ाने से क्या पढ़ना है और स्पेसिफिकली क्या नहीं पढ़ना है. ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. एज वेल एज बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कंफ्यूज आते हैं कि सर अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे ही 4 टीचर हैं जो हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ठीक है 5 लोग हैं जो पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ें. तो देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये नहीं है कि टीचर्स इतने सारे हैं, इसमें बात ये है कि अनअकैडमी आपको अपॉर्चुनिटी देना चाहता है, अनअकैडमी आपके सामने अल्टरनेटिव रखना चाहता है कि देखो भाई वी अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हर इंसान एक ही फैकल्टी से एक ही टीचर से सब कुछ नहीं समझ सकता. कोई कोई टॉपिक्स होंगे जो आपको लगेगा नहीं नहीं ये वाले सर ने समझाया था समझ में आ गया, दूसरा टॉपिक आपके नहीं नहीं वो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बट उनका समझाया मुझे समझ में नहीं आया. ठीक है, सो अब आप क्या करोगे, देयर आर ऑप्शंस कि आपको फिर परेशान नहीं होना पड़ेगा कि वो वाला टॉपिक मेरा इससे नहीं हो पाया क्योंकि मुझे सर की बात समझ में नहीं आई या मैम की बात समझ में नहीं आई. ठीक है, सो फॉर दैट पर्पज इट इज डन. और इसमें भी अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट. ओके, सो मेक श्योर अब ये सारी चीजें आप देखें. ये जो पर्टिकुलर इनिशिएटिव है, ये पर्टिकुलर RISE 2.0 ये क्यों है, इट्स एक्चुअली इसको फ्री हैम्पर मान ले अनअकैडमी की तरफ से फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग इन 2020. ओके, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. ओके, फॉर हियर 8 to 9 o'clock वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे आई एम टेकिंग हिस्ट्री क्लासेस फॉर यू. एंशियंट की क्लास ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, देर आर 14 सेशंस ऑन इट, ऑल द PDFs आर अपलोडेड इन CSE_SPYT, वहां से उसको पिकअप कर ले, एक बार उसको रिवाइज कर ले. टूडे वी आर स्टार्टिंग मेडिएबल. ओके, दिस विल बी डन टिल 31st of July. ओके, फर्स्ट ऑफ अगस्त से विल स्टार्ट मॉडर्न. ओके, नाउ ये जो सारी चीजें हैं, ठीक है, ये जितनी चीजें हैं आपके लिए वो अवेलेबल हैं यहाँ पे, फ्री एक्सेस है आपको, लेकिन देयर इज अ लॉट मोर.
बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पे वॉल के पीछे हैं, जो कि अन अकेडमी की वेबसाइट पे आपको मिलेंगी, जो कि आपकी प्रिपरेशन में एड ऑन होंगी। ठीक है, इट्स अ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। और कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में क्या होता है, आप कंपीट कर रहे होते हैं, इट्स अ रेस, एंड वट यू हैव टू मेक श्योर इज कि आप बाकी लोगों से बेटर हो। तो बेटर कैसे होंगे, देयर इज लॉट ऑफ मोर इन्फॉर्मेशन, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग आर्ग्यूमेंटेशन kept there, and all you have to do is you have to come on the platform and take it from there. ठीक है, so ये सारी चीजें, daily life classes, structured courses, जितने चाहे उतनी बार test देना, ठीक है, unlimited access to educators like me and many more, ये सारी चीजें आपको कैसे मिलेंगी, ये सारी चीजें मिलेंगी आपको subscription लेके। so subscription के बारे में आपको बता दूं, since you are watching this examination, I am expecting कि आप 2020 के exam में appear होने वाले हो। so अगर ऐसी बात है तो आप 12 months का subscription ले लीजिए। The price is 44,000 rupees, but it will reduce to 39,600 rupees when you use the code SPYT. SPYT 10% it will reduce and it will become 39,600 rupees. ठीक है, अब इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि अगर प्री के बाद, प्री में भी अभी जितना टाइम बचा है उसमें भी आपको जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, करंट अफेयर्स में क्या परस्पेक्टिव होना चाहिए, ऑल दोज थिंग्स दैट विल बी गिवन टू यू। प्लस प्री के बाद मेंस की प्रिपरेशन एज वेल एज इंटरव्यू लेवल तक की प्रिपरेशन आपको अनअकैडमी करा के देगा घर बैठे ही, तो आपको भागना दौड़ना नहीं पड़ेगा। अगर आप 2021 या 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, सो आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। प्राइस इज 64,000, लेकिन फिर अनअकैडमी हैज रिड्यूस दिस फॉर यू, इट विल गिव यू 10% डिस्काउंट द मोमेंट यू विल यूज द कोड SPYT। ओके, SPYT कोड यूज करने पे यू विल गेटिंग द 10% डिस्काउंट, इट विल बिकम 57,600 रुपीस। अब देखें, ऑल द स्टूडेंट्स हैव, ऑल यू हैव टू डू, यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है 0% कॉस्ट EMI। मतलब अगर आपको पेमेंट में कोई इशू भी क्रिएट हो रहा है, कोई डिफिकल्टी हो रही है, सो यू कैन ऑलवेज टेक दिस ऑप्शन की 2400 रुपीज एवरी मंथ विल पे एंड विद इन 24 मंथ्स विल विल कंप्लीट द होल 57,600 रुपीज। ओके, आपको एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करनी है, 2400 रुपीज हर मंथ पे करके आप इस पूरी पेमेंट को कर सकते हैं। ठीक है, नथिंग एक्स्ट्रा विल बी चार्ज्ड ऑन यू, एंड 2400 रुपीज बेसिकली समथिंग कि अगर आप किसी भी कोचिंग सेंटर हब में जाके प्रिपरेशन कर रहे होते तो दिस इज एक्चुअली द अमाउंट विच विल बी योर इलेक्ट्रिसिटी बिल देयर। ठीक है, अब अनअकैडमी एक और चीज लेके आया है विच इज आई एम टेलिंग मेनी स्टूडेंट्स हु एक्चुअली नीड इट, कि आप प्लस के आगे भी बढ़ सकते हैं, यह है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शनशिप। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, दे आर ऑफ द ओपिनियन कि नहीं, हमें तो एक फैकल्टी की मेंटोरशिप चाहिए, कंप्लीट मेंटोरशिप, राइट फ्रॉम कि सर आप हमें बताएं, आप हमें हेल्प करें कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, हर स्टेप पे कैसे करनी है, एज वेल एज टाइम टेबल मेकिंग, शेड्यूलिंग। ठीक है, प्लस और भी सारी प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए होती है, समटाइम यू फील डीमोटिवेटेड, समटाइम यू हैव सम अदर प्रॉब्लम, सो हियर आर पीपल लाइक अस हु हैव एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। ठीक है, हमें एक्सपीरियंस है, हमें पता है व्हाट द डिफिकल्टीज अ स्टूडेंट एस्पिरेंट गोज थ्रू। ठीक है, सो उसके लिए अनअकैडमी ऑप्शन लेके आया है, ऑल यू हैव टू डू इज आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शनशिप भी ले सकते हैं। ठीक है, दो ऑप्शन है, साल भर और दो साल के लिए। द प्राइसेस आर 64,000 एंड 99,000 रिस्पेक्टिवली, लेकिन अगर आप कोड यूज करेंगे SPYT अगेन तो इट विल रिड्यूस बाई 10% एंड ऑटोमेटिकली इट विल बिकम, फॉर एक साल इट विल बिकम 57,600 रुपीज एंड फॉर टू ईयर्स इट विल बिकम 89,100 रुपीज। इन दिस प्रोग्राम यू विल बी अलॉटेड अ स्टैंडर्ड मेंटोर फॉर ऑल द टाइम। ठीक है, सो एवरी डे, एवरी टाइम, वेन एवर यू हैव एनी इशूज, एनी क्वेरीज रिगार्डिंग प्रिपरेशन और अदरवाइज ऑल्सो, देखें ये बहुत डिफिकल्ट फेज होता है प्रिपरेशन का। ठीक है, समटाइम यू फील लो, यू नीड मोटिवेशन और अदरवाइज आपको पता होता है कि यू कैन डू इट, बट यू नीड दैट नज, दैट पुश फ्रॉम बिहाइंड कि आप ये कर लें। ठीक है, सो उसके लिए यू ऑलवेज नीड समवन। ठीक है, एक आपको कोच की जरूरत पड़ती है, तो वो कोच की फैसिलिटी आपको अनअकैडमी देती है अंडर दिस सब्सक्रिप्शनशिप, सो यू कैन ऑल्सो ऑफर दिस, दिस इज एन ऑप्शन फॉर यू। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड या सो आई जस्ट चेक अप इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस, अदरवाइज देन विल मूव टुवर्ड्स आज की क्लास। ठीक है, गुड इवनिंग प्रसून, गुड इवनिंग कंचन, या अमन, वी आर डूइंग मेडिवल फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड। नो मधुरमा, इट्स नॉट एंशियंट, वी विल बी स्टार्टिंग मेडिवल, दिस इज द लास्ट, जस्ट द स्टार्टिंग फेज ऑफ मेडिवल हिस्ट्री। ओके, या ओके, सो फाइन, लेट्स स्टार्ट देन। देखिए, 1000 एडी से 1200 एडी के बीच में क्या हुआ। ठीक है, अब एक सेकेंड, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से थोड़ा सा वेस्टवर्ड आते हैं, थोड़ा सा वेस्टवर्ड आते हैं। ठीक है,
किस रीजन में? उसी रीजन में जहाँ पे बेजेंटाइन एम्पायर था, उसी रीजन में जहाँ पे इस समय अगर हम नॉर्थ इंडियन लैंग्वेज में बोले तो अभी पूरा बवाल मचा होता है, ठीक है। सो सबसे ज्यादा इशू किस एरिया में होते हैं? क्राइसिस का होता है। एक पूरा टाइम, एक पूरा टर्म है मिडल ईस्ट क्राइसिस। मिडल ईस्ट में हमेशा क्राइसिस ही होता है। तो मिडल ईस्ट के जो रीजन है ये एक टाइम पे सबसे ज्यादा डेवलप्ड रीजन था और सबसे बड़ी एम्पायर्स यहीं पे होते थे। तो आज हम बात करेंगे कि इस एरिया के एम्पायर्स कैसे डेवलप हुए और क्या हुआ, क्योंकि यही एम्पायर फिर 11th और 12th सेंचुरी में आके इंडिया में रूल करने वाले हैं। सो अब आपको पहले से पता है कि ऑटोमन एम्पायर, ठीक है, टर्की से चलता था। टर्की में इस्तांबुल है, तब टर्की नहीं था, ऑटोमन एम्पायर को कहते थे। इस्तांबुल को कॉन्स्टेंटिनोपल कहते थे। कॉन्स्टेंटिनोपल में बैठते थे वहां के किंग, जिनको कहते थे कैलिफ, ठीक है, कैलिफ, या फिर आप उसको उर्दू अरबिक में उसको खलीफा भी कहते हैं, ठीक है। कैलिफ जो कि पूरे के पूरे इस्लामिक रीजन के एक तरीके से सिर्फ पॉलिटिकल लीडर नहीं थे, रिलीजियस लीडर भी थे, ठीक है। सो कैलिफ ने क्या किया? कैलिफ ने एक डिसीजन लिया कि ही ग्रांटेड द टाइटल ऑफ अमीर उल उमरा, अमीर उल उमरा ऑन जनरल्स हु वर एबल टू कार्व आउट सेपरेट स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अब देखें यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने अपने सारे के सारे जो सीनियर ऑफिसर्स थे उनको अलग अलग डायरेक्शन से भेज दिया। कुछ को नॉर्थ अफ्रीका में भेज दिया, कुछ को पाकिस्तान की तरफ, ईरान की तरफ भेज दिया। इसी को फिर अरेबिक में, अगर आप कहें अरेबिक में और उर्दू में भी, मशरिक और मगरिब कहते हैं, मशरिक और मगरिब, ठीक है। सो इस रीजन में उन्होंने भेजा, उन्होंने अपने ऑफिसर से क्या कहा कि जाओ और लड़ाइयाँ लड़ो, जितना एरिया जीतोगे, जहां पे रूल करोगे, मेरी सोरेजिनिटी के अंदर रूल करोगे, आई विल बी द सॉवरेन, यू विल बी माय गवर्नर ओवर देयर, ठीक है, और मैं आपको वो एरिया अलॉट कर दूंगा, यू विल बी ट्रीटेड लाइक किंग, बट आप मेरे अंदर काम करोगे, ठीक है। तो दे वर गिवन द टाइटल ऑफ अमीर उल उमरा, अमीर उल उमरा, ठीक है, दिस इज राइट देयर फॉर इन एनसीईआरटी, यू नीड टू रिमेंबर दिस वर्ड। अमीर उल उमरा किसको कहते थे? ऑल द जनरल्स हु वर देयर फ्रॉम द ऑटोमन एम्पायर, जिन्होंने अपने लिए अलग स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाया, अपनी अलग टेरिटरी बनाई अलग अलग रीजन में, ठीक है। नाउ वेरी लेस इंपॉर्टेंस वॉज गिवन टू द एक्सपेंशन ऑफ टर्किश स्टेट इन दिस पीरियड, ठीक है, बिकॉज द गुजरा प्रतिहारा एम्पायर ब्रोक अप एंड देयर वॉज ऑलरेडी अ पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी इन द नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है। सो अब हुआ क्या? सो अब हुआ ये कि ये जब अमीर उल उमरा बनने के लिए इनके जनरल्स इंडिया की तरफ आना शुरू हुए, जब जनरल्स इंडिया की तरफ आना शुरू हुए इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो लीडर्स थे उन्होंने बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। उन्होंने रिएक्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके खुद डोमेस्टिक इश्यूज चल रहे थे। गुजरा प्रतिहारा एम्पायर खुद ही टूटा पड़ा था और उसके इश्यूज अलग चल रहे थे। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन इस एरिया में उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई नहीं इनको मूव करने में, एंड दैट इज द रीजन कि अभी जिस एरिया को हम पाकिस्तान कहते हैं वो पूरे का पूरा एक तरीके से गजनविड एम्पायर के अंदर आ गया बिटवीन 975 एंड 1187 एडी, ठीक है। अब एक नाम है टर्किश स्लेव का जो आपको पता होना चाहिए, इनको अलप तगिन भी कहते थे या फिर अल्प तिगिन, ठीक है, अलप तिगिन या अल्प तिगिन, ठीक है। टर्किश स्लेव थे, मतलब ये एक स्लेव इन द सेंस ये गुलाम ही थे, ठीक है, बट गुलाम भी उस समय बहुत हायर स्टेटस तक पहुंच जाते थे सोसाइटी में, ठीक है। तो क्योंकि ये किंग के गुलाम थे तो डायरेक्टली बड़े ऑफिसर हो गए, ठीक है। टर्किश स्लेव हु वाज द सम्मानित गवर्नर फॉर्मर कैपिटल ऑफ गजनी एंड स्टार्टेड गजनवाइट डायनेस्टी। सो आपको ये पता होना चाहिए कि गजनवाइट डायनेस्टी किसने स्टार्ट की थी। गजनवाइट डायनेस्टी का आपका पूरा एरिया आप देख सकते हैं, ठीक है, ये पूरा एरिया है गजनवाइट डायनेस्टी का, एक तरीके से अफगानिस्तान इसका सेंटर है, ठीक है। इंडिया में पंजाब का रीजन तक इसके अंदर आता था गजनवाइट डायनेस्टी, और इसकी कैपिटल क्या थी? गजनी, ठीक है, जो अफगानिस्तान में थी, ठीक है। अब इसी गजनवाइट डायनेस्टी में महमूद असेंडेड टू द थ्रोन, ठीक है, ऑफ गजनी, ठीक है। सो महमूद ऑफ गजनी इज कॉल्ड एज एंड ही रूल्ड फ्रॉम 998 एडी टू 1030 एडी, ये आपको याद होना चाहिए, महमूद ऑफ गजनी, ओके। अब फिरदौस करके शाहनामा, एक फिरदौस करके पोएट थे उस टाइम, राइटर थे, उन्होंने शाहनामा लिखी थी, ठीक है। उसमें ये एक्सप्लेन किया गया कि ईरानियन रेनेसांस जब हुआ था, ठीक है, वहां पे एक देखिए ईरानियन रेनेसांस जो हुआ था वो पुराने टाइम में हुआ था, जब इस्लामिक रूल ईरान में आया था उसके पहले हुआ था, ठीक है। और उन्होंने, फिरदौस ने किताब लिखी शाहनामा नाम से। उस शाहनामा बुक में जो उसके प्रोटैगनिस्ट थे, एक स्टोरी बताई गई कि कौन रेनेसांस लेके आया ईरान में, किसने कल्चरल चेंजेस किए, कल्चरल अपलिफ्टमेंट ग्रोथ किया ईरान का, तो उसमें उनका जो नाम था, उनका नाम था अफ्रिशियाब, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स आर देयर इन एनसीईआरटी, ठीक है, आपको पता होनी चाहिए। आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन बिकॉज पीपल मोस्ट ऑफ द टाइम थिंक कि सर स्टोरी बता रहे हैं इतनी लंबी चौड़ी,
ठीक है। सो इस शाहनामा जो बुक थी, इसके जो मेन किंग थे, जो प्रोटैगनिस्ट थे, जो हीरो थे कहानी के, उनका नाम था अफ्रसियाब। अब अफ्रसियाब के बारे में कोई हिस्टोरिकल प्रूफ्स नहीं है, लेकिन क्योंकि वो इस बुक में थे तो महमूद गजनी जब पावर में आए तो ही हिमसेल्फ क्लेम टू बी अ डिसेंडेंट ऑफ टूरानियन किंग अफ्रसियाब। ठीक है, जो स्टोरी में लिखा हुआ था, जैसे अभी क्या होता है, अभी जैसे बहुत सारे लीडर्स जो किंग्स थे 1947 तक, वो अपने आप को कह देते थे कि वो राम के वंशज हैं या कृष्ण के वंशज हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से महमूद गजनी ने क्या कहा कि वो अफ्रसियाब के वंशज हैं। ठीक है, अब आप आगे देखेंगे जितने लीडर इस एरिया में डेवलप होंगे, जितने भी मुस्लिम रूलर्स होंगे, वो अपने आप को अफ्रसियाब का वंशज बता देंगे। ठीक है, अब महमूद अफ गजनी जो थे ये हिंदू शाही रूलर थे जयपाल। जयपाल कौन थे, ये जो रीजन है आपका, देखें ये इंडिया वाला मैप है, ठीक है, लेटर गुप्ता, गुजरात, थानेश्वर, ठीक है, टांग कश्मीर के बगल का एरिया जो है, जिसको अब हम इस्लामाबाद के बगल का और पेशावर के उपसाद का पूरा, जलालाबाद, इस्लामाबाद और पेशावर, पेशावर बीच में आएगा एक तरफ, जलालाबाद, इन तीनों रीजन के बीच का जो एरिया है, इसको हम कहते थे हिंदू शाही डायनेस्टी का रीजन। ठीक है, उसकी कैपिटल क्या थी, इसकी कैपिटल थी पेशावर, जिसका नाम था वहिंद। ठीक है, वहिंद, और यहाँ के रूलर कौन थे, यहाँ के रूलर थे जयपाल, जिनके बेटे थे आनंदपाल। सो महमूद ने सबसे पहले जयपाल के साथ लड़ाई लड़ी, ठीक है, हिंदू शाही रूलर जयपाल, और उसके बाद फिर आनंदपाल से भी लड़ी। अब आनंदपाल और जयपाल के साथ लड़ाई ऐसे होती थी कि महमूद यहाँ पे आते थे, अटैक करते थे और वापस जो भी इन्वेड करके कुछ चीजें लेके भाग जाते थे, दैट्स इट। ठीक है, रूल करने का कोई उनका ऐसे बड़ा इंटेंशन नहीं था। महमूद ने इसके बाद जयपाल और आनंदपाल को हराने के बाद 1018 में थानेसर और कन्नौज दोनों पे अटैक किया। अब लास्ट क्लास में आपको पहले से पता है कि थानेसर क्या था पहले, ठीक है, वो हर्षवर्धन के की नेटिव प्लेस थी और कन्नौज से वो रूल करते थे। अब हर्षवर्धन की एम्पायर तो खत्म हो गई थी, अब छोटे छोटे फिड्यूशरीज थे, मतलब हर्षवर्धन के अंदर जो जमींदार रहे होंगे वो थोड़े से बड़े हो गए, लेकिन वो बहुत बड़े रूलर नहीं बने थे। सो उनके रीजन में, क्योंकि अब वो ज्यादा पावरफुल थे नहीं, सो महमूद ने अटैक करना शुरू किया। उन्होंने थानेश्वर पे, कन्नौज पे, दोनों में 1018 में अटैक किया। सोमनाथ टेम्पल जो है वहां 1025 में अटैक किया, ठीक है, और वो अटैक करते थे, चीजों को लूट के भाग जाते थे, रूल करने का कोई इंटेंशन नहीं था उनका। महमूद की डेथ के बाद सेल्जुक एम्पायर एक नया एम्पायर था जो ग्रो कर गया पूरे रीजन में, सीरिया, ईरान और ट्रांस ऑक्सिनिया में, ठीक है, और इसके कारण गजनवाइट डायनेस्टी जो थी वो गजनी में और पंजाब के कुछ पार्ट में ही रह गई, जो वेस्टर्न फ्रंट था। इस वाले मैप में देखें, जो वेस्टर्न फ्रंट था इस्फाहान और तेहरान वाला, जो गजनवी एम्पायर के अंदर आया था, इस्फाहान जो है वो ईरान में है, इस्फाहान और तेहरान का जो रीजन था वो उनके अंदर से निकल गया गजनवाइट डायनेस्टी के, ठीक है, और गजनवाइट डायनेस्टी सिर्फ गजनी से लेके जो अफगानिस्तान में है पंजाब तक ही रह गई। ठीक है, अब कुछ चीजें आप महमूद गजनी के बारे में जान लीजिए कि किस किस एरिया में उन्होंने अटैक किया था, क्या किया था, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। ओके, सो महमूद गजनी ने क्या, सबसे पहले किसको अटैक किया, उन्होंने अटैक किया भटिया। भटिया कहाँ पे है, जामनगर के पास, गुजरात में अभी जहाँ जामनगर है वहां पे है भटिया, उस पर गजनी ने अटैक किया 1005 AD में। ठीक है, इसके बाद अगले साल उन्होंने मुल्तान पे अटैक किया। बेसिकली आप इसको इस तरीके से समझिए कि ये एक होर्डिंग ट्राइब्स होते थे, ठीक है, इनके पास अपने हॉर्समैन होते थे, इनका ऐसा नहीं होता था कि घर जाके एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ठीक है, इनका काम ही यही था, ये सिर्फ अटैक करके शहरों को लूटते थे और उसी से इनकी फैमिली चलती थी, चीजें चलती थी, यही होता था इनका, ठीक है, ऐसा नहीं होता था कि वापस जाके महमूद गजनी अपने यहाँ लोगों से कह रहे हैं कि भाई गेहूं उगाया है इस बार, टैक्स कौन भरेगा, ये सब नहीं करते थे महमूद गजनी। ठीक है, अब आगे देखें आप, ही इन्वेडेड मुल्तान इन 1006 AD, ड्यूरिंग दिस टाइम आनंदपाल अटैक्ड हिम। ठीक है, आनंदपाल जो हिंदू शाही रूलर थे, उन्होंने, मुल्तान कहाँ पे है, मुल्तान है पाकिस्तान के सदर्न पंजाब एरिया में, और आनंदपाल कहाँ के रूलर थे, आनंदपाल जो थे उन्होंने अटैक किया इस टाइम पे इनको। ठीक है, अब महमूद गजनी जो थे वो अटैक के बाद उन्होंने अटैक झेला और उसके बाद उन्होंने मार दिया रूलर को, आनंदपाल को, और इसके बाद सुखपाल जो उनके साथ थे उनको भी हरा दिया, जो भटिंडा के रूलर थे 1007 AD में। ठीक है, गजनी अटैक नगर कोट इन पंजाब हिल्स इन 1011 AD। तो ये वो पूरा फेज है जब आप देखेंगे कि गजनी लाइन से अटैक कर रहे थे पूरे इंडिया के, जो वेस्टर्न बॉर्डर है अभी का, जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो सारे जितने छोटे प्रिंसिपैलिटीज थी, छोटे छोटे किंगडम्स थे, सब पे गजनी ने अटैक किया। हम यूजुअली गजनी का अटैक सिर्फ हम एक ही चीज पे जानते हैं कि भाई
सोमनाथ और उस एरिया में अटैक हुआ था, लेकिन पूरे वेस्टर्न जितने किंगडम थे सारी जगह गजनी अटैक कर रहे थे, बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बताया इनका प्रोफेशन था इन अ वे, ठीक है, ये इन्वेडिंग फोर्स आते थे लूट के चले जाते थे, ठीक है। ही अटैक द हिंदू शाही किंगडम अंडर आनंदपाल, डिफीटेड हिम इन बैटल ऑफ वाहिंद, वाहिंद जो मैंने आपको बताया पेशावर के बारे में, क्या थाने शहर को इन्होंने कैप्चर कर लिया 1014 AD में, और कश्मीर को उसके अगले साल थाने शहर को बेस कैंप बना के कश्मीर पे भी अटैक कर दिया अगले साल, ठीक है। इसके बाद कन्नौज, कन्नौज जो एक तरीके से हर्षवर्धन के टाइम पे नॉर्दर्न इंडिया की सेंटर बन गई थी, नॉर्दर्न इंडिया की कैपिटल बन गई थी कन्नौज, उस कन्नौज को इन्होंने कॉन्कर कर लिया महमूद ने 1021 AD में बाई डिफीटिंग चंदेला गौड़ा, ठीक है। गौड़ जो शशांक के वंशज थे एक्चुअली, वो वापस से इस एरिया पे रूल कर रहे थे बाय दैट टाइम, उनको हरा दिया महमूद ने, ठीक है। अब ही देन ही इन्वेडेड ग्वालियर, ठीक है। तो आप देखें मैप में, अगर आप मैप जानते हैं तो कन्नौज के नीचे, कन्नौज के नीचे ग्वालियर का रीजन है, उस पर इन्होंने अटैक किया दो साल बाद, फिर उसके अगले साल इन्होंने फिर सोमनाथ टेम्पल पर अटैक किया, ठीक है। फाइनली महमूद गजनवी की डेथ हो गई 1030 AD में ड्यू टू मलेरिया, ठीक है, कोई मार नहीं पाया था, मलेरिया से डेथ हुई थी, ठीक है। He destroyed the temple of Somnath, Kangra, Mathura, Jwalamukhi and so-called idol breaker. ठीक है, ये सारी चीजें उन्होंने तोड़ी। अब इसके पीछे रीजन क्या है सारे टेम्पल्स तोड़ने का और आइडल ब्रेक करने का? देखें, जब आप हर साल अपने लोगों को लेकर लड़ाई करने आ जाएंगे तो आपके जो फॉलोअर्स हैं वो आपके साथ हर साल लड़ाई करने नहीं आएंगे। अगर आप उनको सिर्फ पैसे की बात बोलेंगे तो हर साल पैसे के लिए वो लड़ाई करने नहीं आएंगे, एक लेवल के बाद आपके पास पैसे हो जाते हैं, तो यू हैव टू कम अप समथिंग न्यू। सो इस टाइम वो पूरे जिहाद के कॉन्सेप्ट के साथ गजनवी आए, ठीक है, और इस बार उन्होंने अपने आप को क्या बोला कि वो इस्लाम को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और इसलिए उन्होंने आइडल ब्रेकर का नाम उनको दिया जाता है, आइडल ब्रेकर का नाम उनको दिया जाता है क्योंकि उन्होंने कहा कि वो इस रीजन में इस्लाम को बढ़ा रहे हैं और इसलिए वो जिहाद कर रहे हैं, और ये उनकी आइडियोलॉजी का मेन कॉन्सेप्ट था, जिसके कारण उनके जो फॉलोअर्स थे वो उनके साथ हर साल लड़ने चले आते थे। नहीं तो भाई, एक साल अगर आपने किसी एरिया को लूट लिया, आपके पास पैसा हो गया कि 3-4 साल तक आप आराम से बैठ के अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, तो आप कहाँ अगले साल जान का जोखिम लेके फिर से लोगों पे अटैक करने जाएंगे। लेकिन आइडिया यही था कि जिहाद, ठीक है, तो रिलीजियस आइडियोलॉजी जो होती है वो ये काम करा देती है। अब आगे हम बात करते हैं, ये तो होगी भाई जब गजनवी पूरी गजनवाइट किंगडम और वो क्या कर रहे थे। इन द मीन टाइम जब पूरी एक तरीके से हर्षवर्धन का एम्पायर खत्म हो गया, सो इन द मीन टाइम इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो अभी इंडिया में जो पार्ट है राजस्थान का, ठीक है, और वेस्टर्न यूपी का, और ये दिल्ली वाला, हरियाणा का, ये पूरा रीजन जो है, इस रीजन में क्या हो रहा था, इस रीजन में बहुत सारे राजपूत लीडर्स डेवलप हो गए, राजपूत लीडर्स बन गए, ओके, या राजपूत लीडर्स बन गए बहुत सारे। और ये सारे राजपूत लीडर्स ने क्या किया, इन्होंने कहना शुरू किया, जैसे मैंने बोला ना आपको कि सारे जो रूलर्स होते थे वो ऐसी हरकतें करते थे, वो कह रहे थे कि भाई हम अफ्रीसियाब के वंशज हैं, यहाँ पे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि वो लॉर्ड राम और लॉर्ड कृष्ण के वंशज हैं, ठीक है, क्योंकि सबको क्या चाहिए होती है, सबको चाहिए होती है अथॉरिटी, और अथॉरिटी कहाँ से मिलेगी, अथॉरिटी आपके काम करने से बहुत मुश्किल से मिलती है, आप जो काम करेंगे उससे आपके बच्चों को लेजिटिमेसी मिलेगी, आपकी लेजिटिमेसी आएगी आपके पेरेंट्स से, ठीक है। तो अब सबसे इजी तरीका क्या है कि आप अपने आप को अनाउंस कर दें कि भाई हम राम के वंशज हैं, तो आपको अथॉरिटी मिल जाएगी, ठीक है। देवर और कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने ये भी कह दिया कि माउंट अबू में अग्नि कुल है, अग्नि कुल की एक सेक्रीफाइशियल फायर है, वो उस आग से निकले हैं उनके वंशज, ठीक है। तो ऐसी ऐसी कहानियां बनाते रहते थे, कुछ अग्निदेव के वंशज थे, कुछ लोगों ने कृष्ण का वंशज बना दिया, ठीक है। तो ये ऐसी बातें करते रहते थे, और ये सिर्फ 11th-12th century में नहीं है, अगर आप पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ते हुए, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हुए कई जगह आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो इंडिया के जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स बनाया गया था सारे प्रिंसली स्टेट्स को ज्वाइन करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंदर, उसके जो सेक्रेटरी थे उनका नाम था वीपी मेनन, ठीक है। तो वीपी मेनन का कहना था, उन्होंने अपनी बुक लिखी है, उसमें उन्होंने बताया है कि वो कई बार कई रूलर्स से मिलने जाते थे, और उनका कहना ये था कि हम इंडिया में ये जो छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स के रूलर होते थे जिनकी पॉपुलेशन होती थी 10,000 लोगों की, 15,000 लोगों की, ठीक है, उनका कहना था कि वो लॉर्ड राम के वंशज हैं, इसलिए वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलेंगे नहीं,
ठीक है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि वो लॉर्ड राम के वंशज हैं, कहीं ने अपने आपको लॉर्ड कृष्ण का वंशज बता दिया था। तो ये सब चीजें 1947 तक हो रही थी, तो अभी तो हम 1000 एडी में है, तो वहां तो ये चीजें होनी ही थी। अब राजपूत पीरियड कैसे माना जाता है, जैसे जैसे हर्षवर्धन का रूल धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हुआ, जो जो फिड्यूशरीज थे, जो उनके जमींदार थे, वो धीरे धीरे ग्रो करने लगे, और इसीलिए राजपूत पीरियड माना जाता है 647 एडी से 1200 एडी के बीच में। ठीक है, 647 एडी से 1200 एडी के बीच में, और ये सब आपस में ही लड़ते रहते थे, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन कि वेस्ट से मौका मिल गया दूसरे लोगों को एंटर करने का। ठीक है, From the death of Harsh to the 12th century, the destiny of India was mostly in hand of various Rajput dynasties. ठीक है, और यही वो टाइम था जब गलती हो गई, क्योंकि ये अंदर ही अंदर लड़ते रहे और नॉर्थ वेस्ट से इन्वेडिंग फोर्सेस इंडिया में आ गई। तो आप कभी भी जब आपको ऑकवर्ड लगे, फील हो, तो आप राजपूत रूलर्स को ब्लेम कर सकते हैं। ठीक है, आपको अगर कोई कहे कि क्या रीजन था, तो उस समय राजपूत रूलर्स आपस में लड़ाइयां कर रहे थे। ठीक है, और दैट इज द रीजन कि इन्वेडिंग फोर्सेस जो हैं वो नॉर्थ वेस्ट से इंडिया में आ गई। ठीक है, अब ये सारे जो हैं ये अपने आप को क्षत्रिय फैमिली से मानते हैं, एंड दे यूजुअली कंसिडर देमसेल्फ टू बी आर्यंस। ठीक है, नाउ अब जो मेन राजपूत रूलर्स हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। द फर्स्ट वन वॉज प्रतिहाराज। ओके, प्रतिहाराज उनका रूल था 8th से 11th सेंचुरी एडी के बीच में, 8th से 11th सेंचुरी एडी के बीच में। प्रतिहाराज वर आल्सो कॉल्ड एज गुजरा, सो गुजरा प्रतिहाराज, जो आप नाम सुनते हैं हमेशा, गुजरा प्रतिहाराज, दे रूल बिटवीन 8th एंड 11th सेंचुरी एडी। ठीक है, पूरे के पूरे नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया के ऊपर। ठीक है, प्रतिहाराज जो थे वो एक तरीके से काम कर रहे थे, जब तक प्रतिहाराज पावरफुल थे तब तक बेनिफिट क्या हुआ कि सिंध के जो अमीर थे उनका नाम था जुनैद। ओके, 725 एडी में, क्योंकि सिंध वॉज द फर्स्ट रीजन जो कि कन्वर्ट हुआ था इस्लाम में, इस्लामिक रूल्स उन्होंने फॉलो करने शुरू किए थे, तो वहाँ के पहले जो किंग थे, पहली जो डायनेस्टी के, वो थे 725 एडी में, जुनैद ऑफ सिंध। तो वेदर इट वॉज जुनैद ऑफ सिंध से लेके महमूद गजनी तक सबको प्रतिहाराज ने रोकने की कोशिश की बहुत हद तक, और रोकने में कामयाब भी रहे। ठीक है, सो जो प्रतिहाराज के मेन किंग्स थे उनके बारे में आपको ज्यादा नहीं जानना है, कुछ कुछ दो दो एक एक पॉइंट्स ही जानने हैं। ठीक है, आई हैव मेड श्योर कि आपको ज्यादा याद कराने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत मुश्किल हो जाती है। सो पहले आप बस ये जान ले कि फाउंडर कौन था प्रतिहारा डायनेस्टी का, तो फाउंडर थे नागा भट्ट। ओके, नागा भट्टा कहते हैं इन्हें, इनका रूल था 725 से 740 एडी तक। ठीक है, नागा भट्ट, उसके बाद आए वत्सराज। ठीक है, वत्सराज और नागा भट्ट टू, क्योंकि टू पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे। ठीक है, दे ऑल्सो प्लेड इंपॉर्टेंट रोल। फिर आए मिहिर भोज। ना मिहिर भोज जो थे वो सबसे ज्यादा पावरफुल किंग थे प्रतिहारा पूरी डायनेस्टी के, इन्हीं के रीजन के बीच में। ठीक है, प्रतिहाराज जो थे उन्होंने कश्मीर से लेके नर्मदा तक, ठीक है, और वेस्ट में कथियावा से लेके ईस्ट में बिहार तक के पूरे रीजन पे कब्जा किया, अपनी टेरिटरी में इसको बनाया, मिहिर भोज। सो प्रतिहाराज के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कौन थे, मिहिर भोज। उसके बाद फिर कौन आया, उसके बाद आए महेंद्रपाल। ठीक है, महेंद्रपाल क्यों कहा गया, क्योंकि अब यहाँ से फिर अब पाला डायनेस्टी की बात होगी, क्योंकि महेंद्रपाल अब जो है वो होंगे, सॉरी पाला डायनेस्टी की बात यहाँ से नहीं होगी, मिहिर भोज के भी बेटे थे महेंद्रपाल, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ऑल्दो इनका नाम महेंद्रपाल है, लेकिन ये महेंद्रपाल प्रतिहारा डायनेस्टी के थे, पाला डायनेस्टी के नहीं थे, ये मिहिर भोज के बेटे थे। ठीक है, अब इसके बाद फिर हम पाला डायनेस्टी की बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद पाला डायनेस्टी की बात करेंगे, पाला डायनेस्टी के पहले फाउंडर कौन थे, इनका नाम था गोपाल। ठीक है, गोपाल, ठीक है, गोपाला नहीं था लेकिन गोपाल था, और गोपाल जो थे वो फाउंडर थे पाला डायनेस्टी के। उन्होंने वापस से बंगाल के एरिया से रूल करना शुरू किया, रूल्ड ओवर नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न इंडिया। ठीक है, एक्सपेंडेड, उन्होंने पूरा रूल पाला डायनेस्टी का कहां से कहां तक बढ़ाया, ही एक्सटेंडेड हिज पावर ओवर मगध, मगध का जो रीजन था पाटलिपुत्र वाला, वहां तक अपनी पावर को एक्सटेंड की। उनके बाद आए धर्मपाल, जो उनके बेटे थे, एंड ही सक्सीडेड हिज फादर। ठीक है, उन्होंने बिहार, बंगाल, कन्नौज, इस पूरे रीजन को और पाला डायनेस्टी के अंदर वो लेके आ गए। ठीक है, ही वॉज अ स्टेडफास्ट बुद्धिस्ट एंड फाउंडेड द फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन जो आपको धर्मपाल का पता होना चाहिए। जरूरत पड़े तो आप नोट भी कर लें कि विक्रमशिला डायनेस्टी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो थी वो किसने बनाई, धर्मपाल ने बनाई, जो कि पाला डायनेस्टी के रूलर थे। उनका रूल था 769 से 815 एडी के बीच में। ओके, ही ऑल्सो रिस्टोर्ड द नालंदा यूनिवर्सिटी। अब आते हैं उसके बाद देवपाल।
ठीक है, ये सबके दो दो तीन तीन पॉइंट्स हैं, आपको बहुत ज्यादा नहीं याद करना है, इनकी पूरी कहानी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पाला डायनेस्टी के जो लेटर हाफ में रूलर थे उनका नाम था देवपाल, जो धर्मपाल के बेटे थे। ठीक है, पाला डायनेस्टी इनके अंदर ऐसी वैसी बनी रही, इन्होंने आसाम और उड़ीसा वाले जो एरियाज हैं जिन्हें कपरूप कमरूप और उत्कल प्लेन्स कहते हैं, वो भी देवपाल ने पाला डायनेस्टी के अंदर लेके आए। देवपाल के बाद दो तीन छोटे रूलर आए जैसे महीपाल और गोविंदपाल। ठीक है, गोविंदपाल वाज द लास्ट पाला रूलर, उनके बारे में आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि शुरू कहाँ से हुई, गोपाल से, खत्म कहाँ पे हुई, गोविंदपाल पे। ठीक है, और सबसे जो इंपॉर्टेंट रूलर थे वो कौन थे, वो थे धर्मपाल। ओके, अब ये सारी बातें हो गई पालास के बीच में, राष्ट्रकूटास के बीच में और गुजरात प्रतिहारास के बीच में। अब इनके बीच में, इन तीनों रूलर्स के बीच में एक लड़ाई हो रही थी। ठीक है, इन तीनों रूलर के बीच में एक हमेशा के लिए लड़ाई हो रही थी, और वो हमें पता करनी है क्या हो रही थी। वो लड़ाई चल रही थी सेंटर ऑफ नॉर्थ इंडिया के लिए। सेंटर ऑफ नॉर्थ इंडिया कौन सी एरिया थी, सेंटर ऑफ नॉर्थ एरिया थी कन्नौज। ठीक है, यूपी में जगह है कन्नौज, इट वॉज सेंटर ऑफ नॉर्थ इंडिया, और इसके लिए तीनों जो है वो आपस में लड़ते रहते थे। कभी कोई कन्नौज पे कैप्चर कर लेता था, कभी पालास कर लेते थे, कभी प्रतिहारास कर लेते थे, कभी राष्ट्रकूटास कर लेते थे। ठीक है, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल फॉर कन्नौज, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। ठीक है, तीनों आपस में लड़ रहे थे कन्नौज के लिए, प्रतिहारास ऑफ द सेंट्रल इंडिया, पालास ऑफ द बंगाल एंड राष्ट्रकूटास ऑफ द डेक्कन। ठीक है, कन्नौज जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, बिकॉज जो कन्नौज पे रूल करता वो गंगेटिक प्लेन पे रूल करता, और गंगेटिक प्लेन जो थी वो सबसे ज्यादा फर्टाइल है, फर्टिलिटी है, तो वहाँ एग्रीकल्चर होगा, एग्रीकल्चर होगा तो इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगी। सो अगर आपको पैसे चाहिए तो आपको कन्नौज के ऊपर रूल करना पड़ेगा, एंड दैट इज द रीजन हाउ इट वर्क्स। ठीक है, द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल लास्टेड फॉर 200 ईयर एंड वीकेंड ऑल ऑफ देम। और यही वो रीजन था, क्योंकि मेंस में क्वेश्चन ऐसे नहीं आते, मेंस में क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे कि व्हाट वाज द रीजन, ऐसे मेंस में क्वेश्चन आएगा जीएस पेपर वन में कि व्हाट वाज द मेन रीजंस फॉर व्हिच अलाउड द टर्किश इन्वेडर, ठीक है, व्हिच अलाउड द टर्क्स टू एंटर इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और उसमें आपको लिखना पड़ेगा ये पॉइंट। अगर आप डायरेक्ट लिख देते हैं ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल ऑफ कन्नौज, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल फॉर कन्नौज लिख देते हैं आप बस इतनी सी लाइन, तो आपके नंबर पक्के हैं, इसके बाद आपसे एग्जामिनर और कुछ सोचेगा ही नहीं, तो हाँ इसको आता है, खत्म होगी बात। ठीक है, अब उसके बाद जो और लीडर्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सो हु आर द अदर लीडर्स, द टोमस ऑफ द दिल्ली, द चौहान ऑफ द दिल्ली और अजमेर के, और राठौड़ ऑफ द कन्नौज। ये वो रूलर्स हैं जिनके बारे में धीरे धीरे आपको, क्योंकि आपको पृथ्वीराज चौहान के बारे में पता है दिल्ली और अजमेर के हिसाब से। ठीक है, तोमस जो है उन्होंने सबसे पहले दिल्ली बनाई थी, और तब दिल्ली का नाम दिल्ली नहीं था, दिल्ली का नाम था दहिलवी। ठीक है, क्योंकि ढलान से आगे आके दिल्ली बनी हुई थी, क्योंकि पहाड़ खत्म होते हैं और दिल्ली से प्लेन शुरू होते हैं। ठीक है, दहिलवी नाम था उसका, ढलान की वजह से दहिलवी। ठीक है, और वो दिल्ली में धीरे धीरे कन्वर्ट हुई, नाम नाम जो है ऐसे चेंज हो जाते हैं। सो तोमस ने जो खुद एक प्रतिहारास के फिडूशरीज थे, मतलब एक तरीके से जमींदारी का क्लैन था प्रतिहारास रूलर्स के अंदर। ठीक है, अब धीरे धीरे जब प्रतिहारास की पावर कम हुई तो क्या होगा, जो लोग प्रतिहारास के लिए काम कर रहे हैं वो प्रतिहारास से अलग हो जाएंगे, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड। तोमस जो थे वो ग्रो कर गए, तोमस जो है वो ग्रो किए, और उन्होंने अपने खुद का एरिया डेवलप किया। दे फाउंडेड द सिटी ऑफ दिल्ली इन 736 AD, दे फाउंडेड द सिटी ऑफ दिल्ली इन 736 AD। तो ये आपको पता होना चाहिए, दिल्ली पहली बार कब बनी, मुगलों के टाइम में नहीं बनी, दिल्ली सल्तनत के टाइम में नहीं बनी, दिल्ली सबसे पहले बनी थी 736 AD में। इसके बाद रूलर आए महिपाल तोमर। महिपाल तोमर ने क्या किया, अभी हरियाणा में जो जगह है थानेश्वर, थानेश्वर जो कि ऑब्वियसली मैंने आपको पहले बताया हर्षवर्धन की एक तरीके से नेटिव रूट्स वहां से थे, उसको महिपाल तोमर ने कैप्चर किया, और हंसी और नगरकोट के एरिया को भी कैप्चर कर लिया 1043 AD तक। चौहान जो थे उन्होंने तोमस को हराया और दिल्ली पे कैप्चर किया 12th century AD में, और तोमस जो थे वो बन गए चौहान के अंदर काम करने लगे, वो वापस से वो ऊपर गए फिर नीचे आ गए। अब चौहान खुद कौन थे, तो चौहान भी प्रतिहारास के ही फिड्यूशरीज थे। ठीक है, चौहान भी प्रतिहारास के अंदर फिड्यूशरीज थे, और उन्होंने अपना किंगडम कब बनाया 1101 century में अजमेर में। ओके, और वो अजमेर से आके उन्होंने फिर कैप्चर किया दिल्ली को, दे कैप्चर्ड उज्जैन ऑल्सो इन द फॉर जो चौहान थे उनके लिए, देखिए वो अजमेर से काम कर रहे हैं, अजमेर अभी कहाँ है, राजस्थान में, तो उनके लिए नॉर्दर्न एरिया क्या था, दिल्ली, और सदर्न एरिया क्या था जो उनकी टेरिटरी में आता था, वो था उज्जैन। ठीक है, दे कैप्चर रीजन बिटवीन उज्जैन फ्रॉम द परमास ऑफ मालवा एंड दिल्ली इन द अर्ली पार्ट ऑफ 12th century फ्रॉम द तोमस। ठीक है,
ये करने के बाद उन्होंने दिल्ली में अपनी कैपिटल शिफ्ट कर ली। पृथ्वीराज चौहान वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को बाद में आप देखेंगे किस तरीके से, वो आगे क्लास में बताएंगे कि जब टर्किश इन्वेडर आए तो पृथ्वीराज चौहान को हराया उन्होंने। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान को कुछ दिन के लिए वापस से शिफ्ट करा दिया गया अजमेर में। ठीक है, बट पृथ्वीराज चौहान ने वहां से वापस अटैक करने की कोशिश की एंड नाउ दिस टाइम जब वॉर हुई देन एक साल बाद तब वो अरेस्ट किए गए और फिर उनको मार दिया गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये आगे आपकी क्लासेस में डिटेल में आपको स्टोरी बताई जाएगी। अब राठौर्स ऑफ कन्नौज जो थे ये एक और रूलर थे। ठीक है, अभी इसमें सिसोदियाज भी है। सिसोदियाज जो है वो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का रीजन है, वहां से रूल करते थे, लेकिन उनके इंपॉर्टेंस उतनी ज्यादा नहीं है इस स्लाइड में, वो नहीं है। लेकिन राठौड़ जो थे वो कन्नौज पे रूल करने लगे थे 1090 से 1194। ये सारे छोटे छोटे फिड्यूशरीज हैं और इन्हीं छोटे छोटे फिड्यूशरीज के आपस की लड़ाई की ही कारण था कि वेस्ट से, नॉर्थ वेस्ट से टर्कमेन जो थे वो इंडिया में एंटर कर पाए। ठीक है, सो राठौर ने कन्नौज में पावर ग्रैब की 1090 एडी में और 1194 एडी तक उनका कैप्चर बना रहा। ठीक है, जयचंद वाज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। ठीक है, राठौर से ही जयचंद जो थे, जो आप हमेशा एक नेगेटिव कोनोटेशन के साथ जयचंद का नाम सुनते हैं, ठीक है, कि जयचंद ही मिल गए थे इसलिए पृथ्वीराज चौहान को हारना पड़ा, वो हार गए, वही जयचंद एक्चुअली राठौर जो पूरी डायनेस्टी थी कन्नौज की उसके सबसे बड़े लीडर थे। ठीक है, और जयचंद को भी महमूद ऑफ गौरी ने ही मारा था 1194 एडी में एट द बैटल ऑफ छंदवर। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं यहाँ के, आपको क्या है, चंडेलाज ऑफ द बुंदेलखंड। सो बुंदेलखंड रीजन में 9th सेंचुरी एडी से ही रूल किसका था, चंडेलाज का। ठीक है, उनकी कैपिटल क्या थी, उनकी कैपिटल थी महोबा। ठीक है, महोबा भी आपको पता है छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, महोबा उनकी कैपिटल थी। और उसके जो पीरियड में जो मेन रूलर्स थे उनका नाम था चीफ यशोवर्मन। ठीक है, यशोवर्मन जो थे वो उनके सबसे बड़े रूलर थे। कलिंजार वाज देयर इंपॉर्टेंट फोर, कलिंजर फोर। ठीक है, ये आपको अलग से नाम पता होना चाहिए। चंडेलाज रूलर में रूल में कलिंजर जो थी वो इंपॉर्टेंट फोर थी और चंडेलाज ने बहुत फेमस कंडरिया महादेव टेम्पल बनवाया था 1050 एडी में, जो अभी भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और बहुत सारे खजुराहो में टेम्पल्स जो है वो भी चंडेला रूलर्स के अंदर ही बने थे। तो खजुराहो और कंडरिया महादेव टेम्पल जो है वो भी, कंडरिया महादेव जो मंदिर है, दोनों का दोनों चंडेला रूलर्स के अंदर ही बना था। ठीक है, परमल द लास्ट चंडेला रूलर्स वर डिफिटेड बाई कुतुबुद्दीन ऐबक इन 1203 एडी। और इसके साथ साथ बुंदेलखंड का रीजन जो है वो मुस्लिम रूलर्स के अंदर चला गया, इस्लामिक रूलर्स के अंदर चला गया। ठीक है, तो एक तरीके से वापस हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट राजपूत रूलर्स कौन कौन है इस रीजन में। ठीक है, गहदलवाज ऑफ कन्नौज, परमार ऑफ मालवा, चौहान ऑफ अजमेर, कलाचुरीज मॉडर्न जबलपुर का जो रीजन है वहां पे। ठीक है, चंडेला बुंदेलखंड में, चालुक्या गुजरात में और तोमस दिल्ली में। ठीक है, आपके मैप है आपके सामने, आप देख सकते हैं चौहान्स, गढ़वाल्स, प्रतिहास, तोमस, परमास, सोलंकी, चंडेला और सेना, पूरे नॉर्थ इंडिया जो है वो छोटे छोटे किंगडम पे टूट चुका है। यही वो रीजन है जिसके कारण एंट्री होती है बड़े प्लेयर्स की, जो उनको जो इंडिविजुअली एक के बाद सबको हराएंगे। ठीक है, राजपूत नोशन ऑफ सेंक्टिटी ऑफ लैंड डिडंट परमिट देयर रिजम्पशन बाय रूलर। ओके, एक्सेप्ट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस सच एज रिवीजन, एब्सेंस ऑफ एन हेयर एक्सेट्रा, दे स्टूड फोर्ड एज अ प्रोटेक्टर ऑफ द प्रिविलेज ऑफ द ब्राह्मण एंड ऑफ कास्ट सिस्टम। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें राजपूत के लिए कि पहले तो ये पूरे जो कास्ट सिस्टम है उसको बहुत ही अच्छे से फॉलो करते थे, एकदम डिटेल तरीके से, कि ब्राह्मण ऑन द टॉप, क्षत्रिय उसके बाद, देन वैश्य, देन शूद्र। सो पूरा जो कास्ट सिस्टम है वो सबसे ज्यादा इंप्लीमेंट होता था तो राजपूत रूलर्स ही करते थे। ठीक है, और ये जो पूरी सैंक्टिटी है, जो नोशन ऑफ द सैंक्टिटी ऑफ द लैंड, ठीक है, वो इस चीज को जाती थी कि राजपूत रूलर्स जो है वो उस पर रिज्यूम नहीं करते थे अपना रूल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और दिस इज वन ऑफ द रीजन कि इस एरिया में बार बार रिबेलियन होते रहते थे, और इसीलिए राजपूत रूलर हमेशा फेमस रहते हैं कि वो आपस में ही लड़ रहे होते थे, लड़ाई उनके लिए गेम की बात हो गई थी। लेकिन अब देखिए, जब खेल अब खेलना शुरू कर देंगे तो नुकसान अंत में आप ही का होता है, एंड दैट इज वॉट हैपन। अब देखिए, आर्ट एंड कल्चर की क्लास में भी मैं नगारा टेम्पल के बारे में बताऊंगा आपको, लेकिन अभी इसको वापस पढ़ लें एक बार, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट, नगारा टेम्पल बार बार पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, सेपरेटली so it was came in prominence this time only mostly in North India and Deccan region। ठीक है, temple at Khajuraho and Bhuvaneshwar।
भुवनेश्वर खजुराहो दोनों जगह। इसका पूरा आइडिया क्या है, स्क्वायर रूम है वेयर डाइटी जो है वो जो मेन गॉड है उनकी मूर्ति रखी रहती है स्क्वायर रूम के अंदर, जिसको हम गर्भगृह कहते हैं, गर्भगृह कहते हैं। ठीक है, ये आपके तीन स्ट्रक्चर है मेन तरह के। टॉल कर्व स्पाइरल रूफ ऑन द टॉप ओवर इट एंटी रूम मंडपा इज एडेड एट द गर्भगृह। ठीक है, गर्भगृह के आगे वाले रीजन में जोड़ दिए जाते हैं। बहुत ज्यादा देखें आप कार्विंग्स होती हैं, मतलब जो बाहर की दीवारें होती हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिजाइनिंग होती है। जो नगर टेम्पल आर्किटेक्चर है जिसको नगारा भी कहते हैं, नगर टेम्पल आर्किटेक्चर में देखें तो सारी वॉल्स पे आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा आपको डिजाइनिंग मिलेगी। ठीक है, मोस्टली किसने बनवाए थे, चंडेला रूलर्स ने, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी कुछ देर पहले, चंडेला रूलर्स ने इसको बनवाया था। वेदर इट इज उड़ीसा का लिंगराज टेम्पल, ठीक है दिस वन, और सन टेम्पल 13 सेंचुरी में, और जगन्नाथ टेम्पल पुरी का। ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं ये इसी टाइम बनी थी। वस्तुपाल मिनिस्टर ऑफ चालुक्य रूलर जो थे उन्होंने जैन टेम्पल बनाया, भीमा उनका नाम था, चालुक्य रूलर भीमा के जो मिनिस्टर थे वस्तुपाल, उन्होंने जैन टेम्पल बनाया था माउंट अबू में। ठीक है, जिसको दिलवारा टेम्पल कहते हैं, जो कि एक्चुअली मेरे पीछे हो गया, आपको दिख नहीं रहा होगा चल ठीक है, बट आई शो आई पीडीएफ में इसे अपलोड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। ओके या अब देखते हैं इस पूरे टाइम में जो लिटरेचर है उस पर कैसे काम हो रहा था, थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग रूलर, जैसे कि परमार रूलर जो थे मालवा रीजन के, जिनके पास दो कैपिटल्स थी, उज्जैन और धारा। ठीक है, परमारा रूलर्स के टाइम के शिव टेम्पल जो है, लॉर्ड शिवा का जो टेम्पल है वो भी बहुत फेमस है। ठीक है, परमारा रूलर्स के बीच टाइम पे मालवा के जो रूलर थे दो कैपिटल थी, उज्जैन और धारा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो उनके रूलर थे उनका नाम था राजा भोज। ठीक है, जिनकी अभी भी स्टैचू जो है वो भोपाल शहर में लगी हुई है। इनका रूल जो था वो काफी लंबा था, 45 साल तक, 1010 टू 1055 एडी के बीच में। लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों पे बहुत काम हुआ था। तो आप इसको इस तरीके से समझे, जब भी कोई रूलर 30 साल 40 साल 50 साल रूल करता है तो एक स्टेबिलिटी आ जाती है, और जब स्टेबिलिटी आ जाती है तो लैंग्वेज और लिटरेचर पे काम होना शुरू हो जाता है। तो आप इसको एक ट्रिक की तरह याद कर लीजिए, जब भी आप कहीं देखेंगे कि कोई रूलर है जिसने 40 साल 50 साल लगातार रूल किया है सिंगल रूलर ने, इसका मतलब है उसके रूल के अंदर लिटरेरी वर्क हुआ होगा, लिटरेचर पे काम हुआ होगा, लैंग्वेज पे काम हुआ होगा, अनलेस एंड अंटिल वो औरंगजेब हो, क्योंकि औरंगजेब एक एक्सेप्शन थे, उनके में लिटरेचर और लिटरेरी वर्क बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल नहीं हो पाया था। ठीक है, बिकॉज ही वॉज टू मच इन्वॉल्व इन एक्सपेंशन। ठीक है, उज्जैन वॉज अ फेमस सेंटर ऑफ संस्कृत लर्निंग, ये आपको अलग से पता होना चाहिए कि उज्जैन जो है वो संस्कृत टीचिंग के लिए, लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट प्लेस बन गया था। ठीक है, इस टाइम के जो मेजर वर्क्स हैं जो आपको पता होने चाहिए वो, उसका नाम है भुजबाला जो भीमर ने लिखा था, और इट इज अ वर्क ऑन एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, चंपू रामायण भी इसी टाइम लिखी गई थी। चारुचार्य क्या है, पर्सनल हाइजीन पे। ठीक है, शायद आपको मिल जाए, पढ़ लीजिए, कोरोना में काम आएगी, बट पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन करना है इस पे भी किताब लिखी गई थी, बुक लिखी गई थी, चारुचार्य उसका नाम था। ठीक है, एक पोयम लिखी गई थी, इसका नाम था गोविंद विलास। ये सब कुछ परमार डायनेस्टी में हो रहा है, राजा भोज के अंदर हो रहा है। ठीक है, नाम मलिका। ठीक है, लेक्सिकोग्राफी, ठीक है, लेक्सिकन जो होती है वो प्रिपेयर की गई थी इस समय। युक्ति कल्पतरु, युक्ति कल्पतरु क्या थी, इट डील्स विद द टॉपिक लाइक स्टेट क्राफ्ट, पॉलिटिक्स, सिटी बिल्डिंग, इन सारी चीजों पे। ठीक है, किताब लिखी गई थी, इसका नाम था युक्ति कल्पतरु, मतलब आपकी जो ख्वाहिशें हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं वो कैसे पूरी होंगी इस किताब को पढ़ने के साथ होंगी। ठीक है, इस और वो आपकी, और मोस्टली लोगों की इच्छाएं क्या होती थी, शिप बिल्डिंग, सिटी बिल्डिंग, पॉलिटिक्स, इन सारी चीजों पे इस पर डिस्कशन था। हेमचंद्र जो थे, जो एक जैन स्कॉलर थे, वो राजा भोज से कनेक्टेड थे, उनकी कोर्ट में थे, उन्होंने इसी टाइम संस्कृत और अपभ्रंशा दोनों लैंग्वेजेस में लिखा। अपभ्रंशा इसी टाइम ये लैंग्वेज डेवलप हुई थी। ठीक है, अब जिस तरीके से संस्कृत बिकेम अ इम्पोर्टेंट लर्निंग स्पॉट ऑफ संस्कृत बिकेम अ इम्पोर्टेंट लर्निंग लैंग्वेज, और उसकी सेंटर कहाँ बनी, उज्जैन में, उसी तरीके से अरेबिक लिटरेचर और पर्शियन लैंग्वेज की जो सेंटर बनी वो बनी लाहौर। तो लाहौर में अरेबिक और पर्शियन पे काम हो रहा था, और उज्जैन में संस्कृत पे काम हो रहा था, ये पता होना चाहिए आपको। अब मिड 12th सेंचुरी एडी आते आते टर्किश ट्राइबमैन जो थे, ठीक है, उनकी हम सीधे बात करेंगे, जो टर्किश ट्राइबमैन थे, ठीक है, हु वर पार्टली बुद्धिस्ट एंड पार्टली पेगन। पेगन क्या होता है, पेगन का मतलब पता है आप लोगों को, एनीवन, पेगन क्या होते हैं पता है आपको, और भी जो क्वेरीज हैं वो पूछ ले, मैं आंसर करता हूँ, देन विल मूव फॉरवर्ड। पेगन का मतलब
ओके सो पेगन, देखिए कोई भी जो रिलीजन होता है ना, बेसिकली हुआ क्या कि वेस्टर्न यूरोप में वो सारे रिलीजन जो उनको समझ में नहीं आते थे वो उसको पेगन कहते थे। तो ओवर द पीरियड, ठीक है, ओवर द पीरियड हुआ क्या कि कोई भी ऐसा रिलीजियस कल्ट रिलीजन को जिसकी आपको अंडरस्टैंडिंग ना हो, आप उसके लिए एक जेनरिक वर्ड है पेगन रिलीजन यूज कर सकते हैं। ठीक है, पेगन रिलीजन मतलब जिसके बारे में आपको ज्यादा कुछ पता ना हो, उसके लिए आप एक सिनोनिम की तरह इस वर्ड को यूज कर सकते हैं पेगन। ठीक है, सो जो टर्किश ट्राइब मैन 12th सेंचुरी में इंडिया में इन्होंने सबसे पहले अटैक किया, बहुत ध्यान से सुने, वो जो थे वो यूजुअली मोस्टली पार्शली कुछ बुद्धिस्ट थे और कुछ का रिलीजन जो है वो कोई और ही कल्ट और रिलीजन फॉलो करते थे, उनका हिंदुइज्म या इस्लाम इन सब रिलीजन से कोई लेना देना नहीं था। मिड ऑफ 12th सेंचुरी मतलब 1140 से लेके 1140 से लेके 1170 के बीच में जिन लोगों ने अटैक किया उनका रिलीजन इस्लामिक नहीं था, देवर पार्टली बुद्धिस्ट एंड पार्टली पेगन। ठीक है, सेल्जुक टर्क्स एंड टू न्यू पावर्स रोज इन प्रोमिनेंस। अब जैसे जैसे गजनवाइट डायनेस्टी जो है धीरे धीरे खत्म हो रही थी, तो सेल्जुक टर्क जो है और दो नई डायनेस्टी डेवलप हुई, एक हुई खोरिज्मी डायनेस्टी जो ईरान में बेस्ड थी और दूसरी हुई गुरीद डायनेस्टी जो नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान में एक जगह है गौर, वहां पे बेस्ड थी। अब खोरिज्मी डायनेस्टी जो थी वो ईरान से ऑपरेट हो रही थी और वो ईरान से वेस्टवर्ड जा रही थी। वेस्टवर्ड क्या होगा, ईरान से मतलब इराक, सीरिया, टर्की, इस एरिया में वो मूव कर गई। तो खोरिज्मी डायनेस्टी के बारे में हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, गुरीद डायनेस्टी जो थी वो नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान में बेस्ड थी गुर में, और वहां से दे स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड एज अ वेसल ऑफ गजनी। ठीक है, सुल्तान अलाउद्दीन जिन्हें जहां सोज भी कहते थे, जहां सोज इसलिए क्योंकि अलाउद्दीन जो थे उनका काम क्या था, वो जहां भी जाते थे उस जगह को जला देते थे, वर्ल्ड बर्नर। ठीक है, जब वो कोई जगह जीतते थे तो यूजुअली वो उसको जला के जीतते थे, सुल्तान अलाउद्दीन। ठीक है, गजनी के क्राउन पे बैठे। खोरिज्मी डायनेस्टी जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने गुरीद डायनेस्टी को वेस्टवर्ड मूव करने से रोक दिया, सेंट्रल एशिया में मूव करने से रोक दिया, और इसलिए गुरीद डायनेस्टी 1173 AD में अंडर द लीडरशिप ऑफ शहाबुद्दीन मोहम्मद, जिनको हम जानते हैं मुइजुद्दीन मोहम्मद के नाम से भी, केम टू पावर इन गजनी। ठीक है, जबकि उनके जो भाई थे उन्होंने रूल करना शुरू किया गौर के ऊपर। ठीक है, अब मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन सैम उन्हीं का नाम है, उनका एक्चुअल नाम जो है वो शहाबुद्दीन मोहम्मद है। पेपर में आपको शहाबुद्दीन मोहम्मद भी लिखा मिल सकता है, इसलिए याद रखें हम मुइजुद्दीन मोहम्मद नाम से उनको जानते हैं, क्योंकि मुइजुद्दीन मोहम्मद जो है उन्हीं को इंडिया में जब उन्होंने अटैक किया उन्हें मोहम्मद गोरी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी सीट ऑफ पावर गूर बनी तो इसे उन्हें गुरी कहते हैं, मोहम्मद गुरी। तो मोहम्मद गुरी का एक्चुअल नाम जो है वो शहाबुद्दीन मोहम्मद है। ठीक है, इसीलिए इतनी डिटेल में जाके मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज कि इसको देखें। ख्वारिज्मी एम्पायर जो है वो सेंट्रल एशिया में जाने से रोक दिया उन्होंने, गुरीद एम्पायर के जो रूलर बने 1173 AD में उनका नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद, ऑल्सो नोन एज मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन सैम, हु इज ऑल्सो नोन एज मोहम्मद गुरी। ओके, हम सीधे हम बात करते हैं। अब मुइजुद्दीन मोहम्मद ने फिर पेशावर, लाहौर और सियालकोट सब पे कब्जा कर लिया बाय 1190 AD। बाय दिस टाइम चौहान जो थे, अजमेर के जो चौहान रूलर जिनके बारे में मैंने आपको बताया, उन्होंने दिल्ली पे कब्जा कर लिया था टोमस को हरा के। ठीक है, और दिल्ली का नाम इस समय धिल्लिका था। ओके, धिल्लिका। और पृथ्वीराज केम टू पावर इन अजमेर। ठीक है, जब पृथ्वीराज की एज थी 11 ईयर ओल्ड, ही वॉज 11 ईयर ओल्ड। और गुजरात में रूलर कौन थे, भीमा टू। ठीक है, गुजरात में रूलर थे भीमा टू जिन्होंने मोहम्मद गुरी को हरा दिया। तो अब ये आप देखिए हमेशा, ओनली रूलर जिन्होंने मोहम्मद गुरी को हराया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो कौन थे, भीमा टू ऑफ गुजरात। ओके, और उनको ने मोहम्मद गुरी को भी हरा दिया और उन्होंने पृथ्वीराज को भी हरा दिया था। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुई फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जहां पे आपको ये समझना पड़ेगा कि अब पृथ्वीराज पे अटैक किया मोहम्मद गौरी ने। ठीक है, शमसुद्दीन मोहम्मद ने पृथ्वीराज पे अटैक किया और पृथ्वीराज जीत गए और गौरी वहां से भाग गए। ठीक है, अगले साल फिर से वहीं पे अटैक किया। ठीक है, और फोर्सेस लेके मोहम्मद गौरी फिर से आए और इस बार मोहम्मद गौरी जीत गए और पृथ्वीराज हार गए। तो 1191 में ये दोनों बैटल आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि आपको पानीपत की इंपॉर्टेंस पता है, उसी तरीके से ये वाली भी इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 और सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192। किसके बीच में हुई थी, दोनों की दोनों मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में हुई थी। पहली वाली कौन जीता था, पृथ्वीराज जीते थे, मोहम्मद गौरी हारे और भाग गए। सेकेंड वाले पृथ्वीराज हार गए, उनको पकड़ लिया गया
और मोहम्मद गौरी जीत गए। अब जब पृथ्वीराज को पकड़ा गया तो उसके बाद पृथ्वीराज को दिल्ली से हटा दिया गया और उनको वापस अजमेर भेज दिया गया। उनसे कहा गया कि आप मोहम्मद गौरी के फिड्यूशरी की तरह रूल करिए। लेकिन लेटर ऑन ही ट्राइड, अगले साल आते आते 1193 तक ही ट्राइड टू, ऐसा कहा जाता है कि ही ट्राइड टू टेक ओवर पावर फ्रॉम मोहम्मद गौरी और इसलिए उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया ऑन चार्जेस ऑफ कॉन्स्पिरेसी। सो पृथ्वीराज को ऐसे मारा गया था, जो आप पूरी एक कहानी सुनते हैं वो कहानी सही नहीं है, ठीक है। हिज सन, अब इसके बाद जब एक बार पृथ्वीराज को मार दिया गया तो ऐसा नहीं था कि पूरी की पूरी उनकी डायनेस्टी को खत्म कर दिया गया। पृथ्वीराज के जो बेटे थे उनको इंस्टॉल कर दिया गया एज चौहान रूलर और उनकी पूरी पावर को मूव कर दिया गया रणथंभौर में। और इसलिए रणथंभौर का जो फोर्ट है वो बहुत लेट तक, मेडिवल टाइम से बहुत लेट तक, ठीक है, सेम वही चौहान रूलर्स के अंदर ही था, ठीक है। सो बैटल ऑफ टेरेन जो है उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। बैटल ऑफ टेरेन, गौरी इससे रिटर्न टू, आफ्टर पृथ्वीराज को हराने के बाद गौरी जो है, मोहम्मद गौरी, शमसुद्दीन मोहम्मद, वो वापस चले गए गजनी, ठीक है, लीविंग बिहाइंड एवरीथिंग इन द हैंड्स ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। मुइजुद्दीन मोहम्मद, दैट इज गौरी, रिटर्न टू इंडिया, एक बार वापस आए वो 1114 में। क्यों? क्योंकि जयचंद को हराना था। अब जयचंद को हराने के लिए 1114 में गौरी वापस आए, क्योंकि जयचंद ने ही एक्चुअली हेल्प की थी मोहम्मद गौरी की सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन में जीतने में। लेकिन उस जब मोहम्मद गौरी वापस गए तो जयचंद ने प्लान किया कि कुतुबुद्दीन को हरा दें। अब दैट वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू गौरी। सो गौरी को जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने बताया कि जयचंद परेशान कर रहा है, सो गौरी वापस आया, उन्होंने जयचंद को इस बार मार दिया, हरा दिया। कहाँ पे हराया? कन्नौज में, ओके। एंड फाइनली जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उन्होंने जाके गुजरात में भीमा टू को हरा दिया। वही भीमा टू जिन्होंने मोहम्मद गौरी को ऑलरेडी हराया था, उनको कुतुबुद्दीन ऐबक ने हराया। अब ये हराने के साथ कुतुबुद्दीन की एक तरीके से समझ लें कि इम्पोर्टेंस और ज्यादा बढ़ गई, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक के ही एक और ऑफिसर थे, ठीक है, जिनका नाम था खिलजी। क्या नाम था? बख्तियार खिलजी। उनको कुतुबुद्दीन ऐबक में भेजा ईस्टवर्ड्स, कहाँ पे? टू बनारस और नालंदा विक्रमशिला। और ये बख्तियार खिलजी ही थे जिन्होंने पहले बनारस में जाके वहां पे राजा को हराया, लोकल रूलर को, और फिर नालंदा गए, नालंदा की लाइब्रेरी जला दी और विक्रमशिला पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी को तोड़ दिया, ठीक है। सो ऑल दिस इज जो आपको अभी देखना था, जानना था। इसके बाद से अब मैं आपको कुछ वर्ड्स बता देता हूँ जो इस समय यूज होते थे, एंड इसके बाद से फिर हम कुतुबुद्दीन ऐबक से कहानी अगली क्लास में शुरू करेंगे। तो आपको एक तरीके से पता चल गया कि राजपूत रूलर्स उस टाइम कैसे हुए, कैसे वो टूटे, और कैसे से किस तरीके से एक टर्किश इन्वेडिंग फोर्स जो है वो इंडिया में एंटर की, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक उसके बाद पावर में आए, जो खुद एक स्लेव थे। अब इस समय तीन वर्ड हैं, की वर्ड्स हैं, जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं, इससे उसका मतलब आपको पता होना चाहिए। पहला वर्ड है इक्ता। इक्ता का मतलब होता है टर्किश लैंड रेवेन्यू सिस्टम, इट वॉज कलेक्टेड बाई मुक्तीज और इक्तेदास, ठीक है। सो इक्ता क्या है? जो टर्किश जब इंडिया में आया तो उन्होंने नया लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंप्लीमेंट किया कुतुबुद्दीन ऐबक के अंदर, उस सिस्टम को क्या कहते हैं? इक्ता, ठीक है, या इक्ता। और जो उन्होंने कलेक्टर्स बनाए उसको रेवेन्यू को कलेक्ट करने इसके लिए, उनको कहते थे मुक्तीज और इक्तेदार, ठीक है, इक्तेदास। दूसरा जो कीवर्ड है वो है खलीसा, ठीक है। जो जिस जमीन से उनको रेवेन्यू मिलता है, रेवेन्यू यील्डिंग लैंड्स एडमिनिस्टर्ड बाय इंपीरियल रेवेन्यू डिपार्टमेंट डायरेक्टली। कुछ ऐसे लैंड होते थे जो डायरेक्टली राजा के अंदर रेवेन्यू आता था उसका, जिससे राजा का घर जो है वो उससे चलता था। जैसे अभी आप जब पॉलिटी पढ़ते हैं तो आप उसमें एक बार अलग से पढ़ते हैं कि प्रेसिडेंट के जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको आप कम नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो क्यों नहीं कर सकते? इसलिए प्रेसिडेंट के एक्सपेंसेस जो होते हैं वो अलग रखे जाते हैं। तो उसी तरीके राजा के जो एक्सपेंसेस थे वो अलग रखने थे। अब उसको अलग कैसे रखेंगे? तो जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू यील्डिंग, सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड होती थी उसको राजा को डायरेक्टली दे दिया जाता था, कि इंपीरियल हाउस होल्ड को चलाने के लिए जो खर्चा है वो वहां से आता था, और उसको कहते थे खलीसा, ओके, खलीसा। यही खलीसा लेटर ऑन डेवलप होके खालसा में चेंज होगा वर्ड, ठीक है, वो मैं आपको समझा दूंगा कैसे। कुवर्ण, ठीक है, लोअर कास्ट के जो पीपल थे, लोग थे, उनको कुवर्ण कहा जाता था। सुवर्ण, जो भी सवर्ण वर्ड आपने सुना है ना, सवर्ण, सवर्ण आपने वर्ड सुना है, ठीक है, वो सवर्ण कैसे आया? उसको कहते थे सुवर्ण, जो अपर कास्ट के लोग थे, और जो लोअर कास्ट सो कॉल्ड था उसको कहते थे कुवर्ण, ठीक है। तो ये सारे वर्ड इस टाइम यूज होते थे, ओके। सो ये अभी आपकी क्लास हो गई मोस्टली। इसके बाद हम देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक नेक्स्ट क्लास में
कुतुब ऐबक कैसे पावर में आया एंड हाउ ऑल दिस मूव्ड ऑन फर्दर और कैसे दिल्ली सल्तनत बनी. ओके फिर हम ऐबक को देखेंगे, फिर हम खिलजी डायनेस्टी देखेंगे, फिर हम तुगलक को देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि आगे और किस तरीके से, फिर फाइनली आप देखेंगे कि आगे चल के कैसे मुगल रूलर्स आए मेडिवल पीरियड में. ओके सो दैट विल बी फ्रॉम नेक्स्ट क्लास टुमारो इन कंटिन्यूएशन ऑफ दिस क्लास. अभी आपकी कोई क्वेरीज हो सो यू कैन आस्क मी और विल एंड द सेशन नाउ. Yeah, Kanchan, that's Kanchan actually gave the answer for pagan religion. That's correct, Kanchan. Okay, so no more questions. So we can end the session now. Okay, thanks a lot for attending the session. Please share it with fellow aspirant, like the video. Telegram group join kar lijiye. Main PDF upload kar deta hu abhi. Whenever you are making a subscription, make it on SPYT. Use the code that. What else I have to tell you? क्या बताना है मुझे और? From tomorrow is 18th afternoon 3:30 to 4:30 and 5 to 6 o'clock. ठीक है, 2 घंटे there will be class tomorrow, day after tomorrow and after that day also on Academy platform पे, where I'll be taking important lessons regarding international relations. So those are very important. America का perspective. इंडिया के साथ रिलेशन नहीं, अमेरिका का होलिस्टिक वर्ल्ड व्यू. ठीक है, दैट विल बी डिस्कस टुमारो, डे आफ्टर टुमारो हम रशिया और चाइना का पर्सपेक्टिव डिस्कस करेंगे और उसके अगले दिन हम WTO डिस्कस करेंगे. तो अगर ये सारी चीजें आप समझ लें तो मेन प्लेयर कौन है वर्ल्ड में, अमेरिका, रशिया और अमेरिका, चाइना और रशिया, और उसके बाद WTO. अगर आप ये सारी चीजें समझ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि वर्ल्ड की इकोनॉमी काम कैसे करती है. और अगर आपको वो समझ में आ जाएगा तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि आगे अब क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, क्योंकि All the wars and battles and skirmishes are just the जो final आपको दिखता है. Main issue तो अंदर उसके पीछे economy ही होती है. तो वो समझने के लिए those classes please attend those classes. ठीक है, from tomorrow. Yeah, Tarun, you can start reading from NCERTs. Okay, so we'll end the class. Thanks for attending. Thank you.